वेल हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में गाइस बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाने वाला हूं। काफ़ी यूज़र्स इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करके पेमेंट करना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हो गाइस, लेकिन बैंक आप ऐड करना चाहते हो पेमेंट रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए। पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, आप देखिए कि आप डायरेक्टली इस तरह से होम स्क्रीन पर आ जाओगे। आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज, साथ में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है गाइस पे वाला ऑप्शन से, फिर शॉप वाला ऑप्शन और हेल्प वाला ऑप्शन। ये भी इन चारों ऑप्शंस में से गाइस आपको करना क्या है, तो चारों ऑप्शंस में गाइस आपको जो है यहाँ पर होम स्क्रीन मैनेज में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक ओपन बैंक अकाउंट। आप न्यू बैंक अकाउंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर प्रोसेसिंग वगैरह लेगा, अगर नहीं ओपन है तो ओपन कर सकते हो। तो अभी गाइस इन ऑप्शन से फिलहाल हमें कुछ मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पे, तो आपको इस पे वाले ऑप्शन पर जाना है। साथ में गाइस हो सकता है आपकी एप्लीकेशन अपडेट ना हो तो आप इसे अपडेट कीजिए, या अगर आपकी एयरटेल की ही सिम है तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर ही आपके अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। साथ में अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में भी आपका अकाउंट नहीं है, तो अगर कुछ भी अकाउंट ऐड नहीं है तो डायरेक्टली वहाँ पर भी ऑप्शन मिल सकता है, या यहाँ पर होम स्क्रीन पे ही आपको बड़ा ऑप्शन मिल सकता है पे वाले ऑप्शन पे कि ऐड बैंक अकाउंट या ऐड यूपीआई अकाउंट। तो आप जो है इजीली यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी मेरा एक बैंक अकाउंट ऐड है गाइस, मैंने पहले से ऐड कर रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि एयरटेल यूपीआई और मेरी यूपीआई आईडी मेरे को देखने को मिल रही है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एयरटेल यूपीआई और सेटिंग वाला ऑप्शन, तो आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जा सकते हो। साथ में अगर यहाँ पर नहीं जाना चाहते तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर जा सकते हो, दोनों ही सेम ऑप्शन से आप जहाँ पर भी जाओगे एक ही पेज पर आओगे गाइस। तो मैं यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी आप देखोगे तो आपको आपका जो QR कोड है और आपके जो UPI ID है और आपके जो बैंक अकाउंट है सभी यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें अभी आपको क्या करना है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है गाइस आपकी बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये फिलहाल मेरी बैंक ऑफ इंडिया है। आपने जो भी बैंक अकाउंट पहले अगर ऐड किया होगा तो वो देखने को मिलेगा, नहीं ऐड कर रखा है तो हो सकता है गाइस कि यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर कुछ अलग ऑप्शंस देखने को मिले। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर इससे आपका जो काम है वो नहीं होता है, बैंक ऐड नहीं होता है, फिर आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो गाइस, वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि फिलहाल गाइस मैंने पहले से एक बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, अभी मेरे को गाइस इस तरह से ऑप्शन में मैं बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट कर लोगे तो वो आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे बैंक अकाउंट को ऐड करने में। फिलहाल आप देखिए एक बैंक मेरा ऑलरेडी ऐड है, अगर मैं अनदर बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पर इजीली ऑप्शंस मिल रहे हैं कि ऐड अनदर बैंक अकाउंट। मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर, तो आप देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा और काफ़ी सारे बैंक यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें अभी जो है कि कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है तो बैंक यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे बैंक यहाँ पर आ चुके हैं। अभी इसमें से आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपका जो भी बैंक अकाउंट हो वो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, ईजिली प्रोसेस हो जाएगी गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कोई सा भी अकाउंट यहाँ पर चूज़ करूँगा, जो मेरा जिसमें अकाउंट है वो अकाउंट चूज़ करूँगा गाइस। आपका जो भी जिस भी बैंक में अकाउंट है उसी पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करूँगा गाइस, क्योंकि इसी में मेरा अकाउंट है। तो आप देखिए गाइस कि हमने बैंक ऑफ इंडिया तो मेरा पहले से ऐड था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी मैंने ऐड किया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, आप देखिए ये हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया है ये प्राइमरी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेकेंड बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं ऐड अनदर बैंक पर जाके बैंक को ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है गाइस जो ईजिली आपको समझ में आ गई होगी। और अगर प्राइमरी बैंक बदलना चाहते हैं तो इन 3 लाइंस पे आपको जाना है और फॉरगेट पिन या चेंज पिन या मेक प्राइमरी अकाउंट आप कुछ भी बना सकते हो इसे, या पिन वगैरह फॉरगेट करना चाहते हो तो भी। इसमें एक प्रोसेस हमारी स्किप हो चुकी है, वो ये है गाइस कि अगर आपने जो है गाइस पहली बार अपने अकाउंट को ऐड कर रहे हो फिर UPI पिन सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने ATM कार्ड की भी ज़रूरत होगी उसमें। और अगर आपकी कुछ बैंक ऐसी हैं जिनमें विथआउट ATM कार्ड के एक्सेप्ट करेगा आधार OTP के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारे दो बैंक अकाउंट ईजिली इसमें ऐड हो चुके हैं, अगर और ऐड करना चाहते हैं तो ईजिली हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता था वो यही है गाइस।
अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या इसी में कुछ दिक्कत आ रही है तो गाइस आप हमें कमेंट भी कर सकते हो।